हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जो एमएस एलआईएस लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है उसके बारे में डिटेल करेंगे। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके कोर्स सेमेस्टर्स, उसके जो एग्जाम होता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो है आपको बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करना है। आप चाहे तो इंडियन यूनिवर्सिटी से भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है, या फिर आप अब्रॉड से भी कंप्लीट करके यहाँ पे इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आपको 12 ईयर्स कंप्लीट करना है स्कूलिंग, प्लस 3 ईयर्स ग्रेजुएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीडियर के बारे में। किस तरह से सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स इस कोर्स के लिए? अगर आप इस कोर्स के लिए भर्ती होते हैं तो आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। और दूसरा जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है वो है आपको एक ऑल इंडिया बेसिस पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, प्लस आपको एक इंटरव्यू सेशन भी अटेंड करना है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 ईयर्स, मतलब 24 मंथ्स। और ये कोर्स सिर्फ ISI बेंगलुरु में ही ऑफर किया जाता है। तो इस 2 ईयर के सेशन में, कोर्स में 4 सेमेस्टर्स होंगे और इसको डिवाइड किया गया है 20 क्रेडिट कोर्सेज में। प्लस जो एक एडिशनल फीचर है वो है जिन कैंडिडेट्स ने 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स चूज नहीं किए थे, मतलब मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़े थे, उनके लिए 4 क्रेडिट पॉइंट्स अलॉटेड है फॉर एलिमेंटरी मैथमेटिक्स। मतलब ये कंपल्सरी रहेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों ने 10+2 लेवल में मैथ्स लेके नहीं पढ़ा है। सो मैथ्स 4 क्रेडिट पॉइंट्स। मैथ्स में 4 क्रेडिट पॉइंट्स रहेगा। जो डिसर्टेशन का वर्क है वो 3rd और 4th सेमेस्टर्स के लिए है। आपको टॉपिक मिलेगा और आपको अपने खुद के ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन करना है। 4 सेमेस्टर्स के अलावा आपको एक इलेक्टिव पेपर भी सिलेक्ट करना है। बहुत सारे इलेक्टिव पेपर्स दिया जाएगा, इनमें से सिर्फ एक ही आपको चूज करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है उसका एग्जाम पैटर्न, उसके सिलेबस को हम डिटेल्स में अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे 2 पेपर्स होता है। पेपर 1, यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया जाएगा, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा वो आपका क्या टेस्ट करेगा? पहला है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स 10+2 लेवल के ऊपर क्वेश्चंस बेस करके आपको मिलेगा। जो रीजनिंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल से आएगा। आपके नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एबिलिटी टू रीड इंटरप्रेट ग्राफ्स एंड एनालाइज द स्टैटिस्टिकल टेबल्स 10+2 लेवल का, इसका ही टेस्ट लिया जाएगा कि आपका कितना नॉलेज है इन सारी चीजों में। ये जो पहला पेपर है ये 2 पार्ट्स में भाग किया जाता है, Part 1 और Part 2। पहला है टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और दूसरा है टेस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। और टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मतलब ये कंपल्सरी पार्ट है। इस पेपर का टेस्ट कोड है PLA। नेक्स्ट जो पेपर है ये है पेपर 2, जिसका टेस्ट कोड है PLB।
मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये 13 क्वेश्चंस आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को टेस्ट करेगा। इसमें भी सेम फॉर्मेट है, पार्ट ए और पार्ट बी में ये पार्ट डिवाइड किया गया है। इसमें पहला पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी टेस्ट का पोर्शन है, यहाँ पे आप लोगों को पैसेज दिया जाएगा जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैंडिडेट्स रीड करेंगे ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाए और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर कर पाए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपका स्किल्स टेस्ट करेगा, मतलब एलिमेंट्री ग्रामर स्किल्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी, सिनोनिम्स और जो बेसिक ग्रामर है उसके ऊपर ही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको टेस्ट करने के लिए। पार्ट बी जो है ये टेस्ट है ऑन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बुक्स एंड लाइब्रेरीज। ये आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करेगा अबाउट कंप्यूटर्स, अबाउट फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स एंड अबाउट लाइब्रेरीज। हम सर्विसेज क्लासेस में आपको हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाते हैं, सिर्फ एमएस एलआईएस के लिए ही नहीं, जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्स होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, कोर्स बेस्ड जो एग्जाम्स होता है उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से आप जैसे कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं, और हम यहाँ पे आपको रेगुलर फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का प्रोविजन देते हैं। अगर आप सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे प्रोविजन्स हैं। हम यहाँ पे आपको फुली सॉल्व्ड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे जो एनफ होगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आपके पास अगर कोई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है तो उसको भी हम सॉल्व करके देंगे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको प्रोविजन दे रहे हैं। हम आपको वीकली 2 से 3 मॉक टेस्ट का फैसिलिटी देते हैं ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को देख सके कि आप इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ताकि हम आपको गाइड कर सके और हेल्प कर सके आपके प्रिपरेशन में। हम आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज भी सिखा देंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको किस तरह से अप्रोच करना है सो दैट आपको ये इजी लगे और बहुत ही इजी तरीके से, एक्यूरेट तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो इसके साथ मैं आज की क्लास को खत्म कर रही हूँ। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे अगले क्लासेस में।